नगर विच कर्फ्यू विच सवेरे 7 बजे तो 11 बजे तक मिलेगी छूट। रोटेशन दे आधार ते खुलणगियां दुकानां, सैलून, पार्लर, जिम, रेस्टोरेंट, माल अते ठेके बंद रहणगे। जिला प्रशासन वालों जिला SCS नगर दे विच सवेरे 7 बजे तो 11 बजे तक कर्फ्यू दौरान दुकाना खोलन की प्रवानगी देने का फैसला किया गया है। इस संबंधी जिले के डिप्टी कमिश्नर श्री गिरीश दयालन वालों हुक्म जारी कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर वालों जारी हुक्मां अनुसार पिंडां विचलियां सारियां दुकानां नूं खोलण दी इजाजत होवेगी, जदों कि शहर दियां मार्केटां विचलियां अद्धियां दुकानां नूं वारी दे आधार ते आर-डीवन व्यवस्था तहत खोलण दी इजाजत दित्ती गई है। इस दे तहत एक दिन खुलण वालियां दुकानां अगले दिन बंद रहणगियां अते अगले दिन दूजियां दुकानां खोलण दित्तियां जाणगियां। इस दौरान दुकानां विच 50% स्टाफ नूं बुलाउण दी इजाजत रहेगी अते दुकानदारा लई सोशल डिस्टेंसिंग दी पालना नूं यकीनी कीता जावेगा। मार्केटां विच आउण वाले ग्राहकां नूं मार्केटां विच पैदल आउण दी छूट मिलेगी अते मार्केटां विच भीड़ नहीं होण दित्ती जावेगी। इस दौरान सैलून, पार्लर, जिम, होटल, रेस्टोरेंट, माल अते ठेके बंद रहणगे। इन्हां हुक्मां विच कहा गया है कि 65 साल तो वध उम्र दे बजुर्ग, छोटे बच्चे अते बीमार व्यक्ति घर विच ही रहणगे। प्राप्त जानकारी अनुसार इस संबंधी डिप्टी कमिश्नर वालों वख-वख अधिकारियों नाल मीटिंग उपरंत जिले विच दुकानां खोलण दी इजाजत देण संबंधी फैसला लिया। इस संबंधी बाद दोपहर वख-वख थाना मुखियां वालों आपो अपने खेतर दे विच पैंदियां मार्केटां दे प्रधानां नूं कल तो दुकानां खोले जाण बारे जानकारी दे दित्ती गई सी। इस दौरान शहर विच इह भी मंग उठ रही है कि दुकानां विच दाखल होण वाले हरेक ग्राहक नूं वरतों वास्ते सैनिटाइजर दिता जावे अते दुकानां विच दाखल होण वालियां वास्ते मास्क अते दस्ताने पाए होने जरूरी किते जाण। इस दे नाल ही इह भी मंग हो रही है कि दुकानां विच दाखल होण वालियां दी थर्मल स्क्रीनिंग दा भी प्रबंध किया जावे तां जो बीमारी फैलण दी संभावना नूं रोकिया जा सके। जेकर तुहानूं साडा चैनल पसंद आया है तां इस नूं सबसक्राइब जरूर करो अते घंटी दा स्विच आन करो तां जो साडियां खबरां तुहानूं लगातार मिलदियां रहन। तुहाडा प्यार ही साडी ताकत है। स्काई हक टाइम्स दी रिपोर्ट।